हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब फोकस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ध्यान से टॉपिक सुनिए। कुछ समझ में नहीं आता तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक मैं आपसे पूछूंगी। आप मुझसे जितने चाहे डाउट पूछो, जितनी बार रिपीट कराना हो रिपीट कराओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे जो फर्स्ट बार मैं आपको जो भी बता रही हूँ। ठीक है, ओके घनश्याम। हाँ जी, तो आज अपने जो टॉपिक्स रहेंगे बेटा वो है विस्कोसिटी का एक रिवीजन करेंगे। मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ ये चीज, ठीक है। उसके बाद एक स्टॉक्स लॉ पढ़ेंगे, स्टॉक्स लॉ क्या है। फिर रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। स्टॉक्स लॉ के बाद एक टॉपिक और रहेगा टर्मिनल वेलोसिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर करेंगे कि ये किस तरह का नंबर है, और सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पढ़ेंगे। ये आपके जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा कोई लॉन्ग डेरिवेशन नहीं है जैसे बर्नौलीज इक्वेशन है। इस पूरे चैप्टर में एक बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन ही है जो लेंदी पड़ता है, उसके अलावा तो कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो चलो रिवाइज करते हैं एक छोटा सा क्विक रिविजन। विस्कॉसिटी क्या होता है बेटा, व्हाट इज विस्कॉसिटी? सिंपल सी भाषा, यस बाकी हाँ, फ्लूड फ्रिक्शन, या आप कह लो रेजिस्टेंस टू दी फ्लूड फ्लो। रेजिस्टेंस टू दी फ्लूड फ्लो, ठीक है। जिसके अंदर हमने विस्कस फोर्स निकाला था, एक एफ वी दैट इज इक्वल टू कितना था, माइनस ईटा ए डी वी बाय में डी Z, या आपकी बुक्स में हो सकता है डीवी बाय में डी एक्स हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं डीवी बाय डी जेड। डीवी बाय डी जेड क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ए क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, और ईटा सभी को पता ही है, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था, क्या चीज, जब आपके पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूड फ्लो कर रही हैं आपस में, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है बेटा। तो मान लीजिए मैं ये पर्टिकुलर लेयर देख रही हूँ, जब ये जो ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर मूव कर रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ इस लेयर की वजह से इस ऊपर वाली लेयर पे एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो वो फोर्स कितना आता है, वो हमने डिराइव किया था, माइनस ईटा ए डीवी बाय डी जेड। डीवी बाय डी जेड क्या था, डीवी बाय डी जेड था, मान लीजिए मैंने कोई भी पर्टिकुलर लेयर ली है, ये बॉटम वाली लेयर मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जिस सरफेस के साथ टच में है, अगर वो रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे है, तो इसके साथ टच में जो फ्लूड होगा उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो, और उसके बाद इस फ्लूड की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है क्योंकि फ्लूड फ्री होता जा रहा है। तो मैंने कोई भी एक लेयर ली थी जिसका मैंने डिस्टेंस मान लिया था, मान लीजिए ये लेयर जेड डिस्टेंस पे है और यहाँ वी वेलोसिटी है। फिर मैंने इससे नेक्स्ट लेयर ली थी, कितने डिस्टेंस पे है, जेड प्लस में डी जेड डिस्टेंस पे वेलोसिटी होगी वी प्लस में डी वी। तो यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर पे जब आप जा रहे हो तो जो डिस्टेंस का चेंज है और वेलोसिटी का चेंज है, तो हमने एक रेशियो निकाला था चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने किया था। तो विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, ये विस्कस फोर्स दो जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन लेयर्स को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनके फ्लूड को रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये फ्लूड में हर जगह पे, राइट, क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें जो चीज समझाने की, अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट करेंगे कैसे। अभी जैसे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, लेयर्स के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो जब लेयर लिक्विड आपके पास लिक्विड के कांटेक्ट में है, तब आपके पास ये फोर्स का फॉर्मूला वैलिड है। दूसरा केस मान लीजिए, बोट को मैं फ्लूड के ऊपर यानी वाटर के ऊपर मान लीजिए जो है चला रही हूं, तो यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड सरफेस लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इस लिक्विड सरफेस की वजह से इस सॉलिड सरफेस पे कितना आएगा पीछे की तरफ फोर्स, विस्कस फोर्स, वो भी आपके पास ये फॉर्मूले से चल जाएगा काम आपको, ठीक है। मतलब यहाँ ये फॉर्मूला वैलिड है, यानी कि लिक्विड लिक्विड के कांटेक्ट में जब है या सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में जब है, दोनों केसेस में ये वैलिड है। अभी जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, स्टोक्स लॉ। इसमें क्या होता है, जब आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है थ्रू द लिक्विड, स्टोक्स
स्टोक्स लॉ कब आता है आपके पास? व्हेन आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द लिक्विड. थ्रू द लिक्विड मतलब मान लीजिए ये फ्लूड है, मान लीजिए ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया और ये इसमें मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ. तो यहां बेटा इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. ये था लिक्विड लिक्विड या सरफेस ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड. ठीक है, ये वाला केस कब है? जब आपके पास सॉलिड मूव कर रहा है इनटू द लिक्विड, थ्रू द लिक्विड. ये बात क्लियर हुई कि टॉपिक कैसे डिफरेंट है? हाँ जी बेटा, एयर में भी ड्रैग फोर्स होता है, विस्कोसिटी होती है, बिल्कुल होती है. फ्लूइड्स में वैल्यू अलग हो सकती है, विस्कस फोर्स सभी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग. ठीक है घनश्याम, एयर का भी एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे ना वहां पे बताऊंगी आपको. हाँ जी, ये आपको टॉपिक समझ में आया स्टॉक्स लॉ किसके ऊपर बात करता है? ये बात चीज क्लियर हुई या नहीं? यस और नो? ओके, तो अभी जो इस पे फोर्स लग रहा है ना हम वो निकालेंगे. सबसे पहली बात ये कि जो आपके पास फ्लूइड में से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी शेप तो कुछ भी हो सकती है, राइट? इरेगुलर शेप भी हो सकती है. तो इरेगुलर शेप्स के लिए फोर्स निकालना मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो यहाँ आपको करना भी नहीं है. तो जो सबसे जनरल और स्पेशल केस जो है हमारे पास, हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो स्पेरिकल ही ले रहे हैं. तो स्टॉक्स ने क्या किया है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है फ्लूइड से उसके लिए विस्कस फोर्स निकाला है. ठीक है, वो फोर्स हम निकालेंगे कितना है. तो ये क्या कहते हैं कि आपके पास जब एक ऑब्जेक्ट, स्टॉक्स लॉ क्या कह रहा है, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थ्रू द फ्लूइड, वो कुछ तीन चीजों पे डिपेंड करता है. पहली विस्कस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, कौन सी तीन चीजें हैं? यहां लिखते हैं ए. सबसे पहले किसी को पता है ये चीज? एनीबडी ऑफ यू? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये फ्लूइड से जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका शेप एंड साइज क्या है. सेकंड, स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी मैं जनरल केस ले रही हूँ, मैं स्फीयर की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि जो इसमें से मूव करेगा वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थर्ड है बेटा कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें से वो पास कर रहा है. तो स्टॉक्स ने जो काम किया है बेटा वो काम किया है स्फीयर के ऊपर. स्फीयर के लिए उन्होंने एक डेरिवेशन जो है वो डिराइव किया है. तो जब हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, तो आपके पास जो विस्कस फोर्स आ रहा है दैट विल डिपेंड अपॉन फर्स्ट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर. सेकेंड स्पीड ऑफ स्फीयर, लिखा ना मैं सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी क्या ले रहा है? स्पीड ऑफ स्फीयर जो कि फ्लूइड से मूव कर रहा है. और थर्ड पॉइंट वही आपके पास ईटा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड. इसको हम कैसे लिखेंगे अब? यानी कि मैं नोटेशन दे देती हूं, जो विस्कस फोर्स है वो एफ है. ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है आपके पास पहली चीज थी रेडियस, वेलोसिटी एंड थर्ड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. पर बेटा मुझे ये नहीं पता अभी कि कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता ये चीज अभी. तो उस चीज को निकालने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आपने यूनिट वन में किया होगा, इस पे क्वेश्चंस भी किए होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस. किया है किसी ने? बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो उसमें हम क्या करते थे कि हम लोग इनको डायमेंशंस की फॉर्म में रखेंगे, एबीसी की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो है एबीसी की वैल्यू आ जाएंगे, जो हम यहाँ पर जो पावर्स होंगे उनसे कंपेयर करेंगे. तो हम एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, कांस्टेंट रखिए, आर की पावर ए, वी की पावर बी और ईटा की पावर सी.
एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ बेटा, घनश्याम बताएगा। वेरी गुड, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, रेडियस का एल की पावर ए, बी की पावर एल टी माइनस वन, और ईटा का बताओ। चलो ईटा का बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने आपको डिराइव भी किया कराया था शायद लास्ट टाइम, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, राइट। तो ये पावर सी हो जाएगी। जब आप इनको कंपेयर करोगे बेटा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी सी की। मैं आप करके देख लेना, अब बस कंपैरिजन रह गया, मैं वैल्यू बता देती हूँ। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन, यानी कि एफ आपके पास कितना आ गया, के आर वी ईटा। ये जो के की वैल्यू है ये आती है 6 पाई पाउंड एक्सपेरिमेंटली, पाउंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, कितना आ गया बोलो सभी, एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये काम है स्टॉक सर का, उन्होंने ये काम किया है। साइंटिस्ट का एक्चुअली नेम, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक्स ने क्या किया था, स्फीयर के लिए ये विस्कस फोर्स निकाला था कितना आता है जब वो एक फ्लूइड से मूव कर रहा है। समझ में आया टॉपिक सबको? अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में? बताओ बेटा, शुड आई मूव फॉरवर्ड, अगले टॉपिक पे चले? ओके फाइन, चलिए फिर टर्मिनल वेलोसिटीज को ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा समझने का टॉपिक है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देती हूँ कि ये टॉपिक किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्लाउड है, क्लाउड से क्या होता है, रेन होती है, यहां से आपके पास रेन आ रही है। मान लीजिए आप 2000 मीटर पे यहां पर इस रेन ड्रॉप की फाइनल वेलोसिटी निकालते हो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी, हाँ जी बेटा उसी टाइम ले लिया करो ना, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछू ना आफ्टर द टॉपिक, ठीक है, उस टाइम डाउट हो डाउट लो, डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आप? हाँ जी, ओके। हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी, मान लीजिए क्लाउड है, क्लाउड से आपको पता रेन होती है, रेन कि जो एक वाटर ड्रॉपलेट ले लो जो u इक्वल्स टू 0 से चली और v वेलोसिटी तक पहुंची, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं हम लोग, जो लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो जो आप कैलकुलेट करके देखना वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ही ज्यादा आती है। ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी। ठीक है, और अगर 200 मीटर पर सेकेंड से आ रही है तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। अगर उतनी स्पीड से आपके पास आपकी बॉडी पे आपके सर में ये चीज टकराती है तो आपको ये जान से मार सकती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बूंदे गिरती हैं उनकी इतनी हाई वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, इतनी हाई वेलोसिटी नहीं होती, तो इसका कारण क्या है, क्या रीजन इस चीज का? इसका मतलब ये है कि अगर वो नीचे आ रही है उसकी स्पीड को कम किया जा रहा है या तो, राइट, वो इतनी ज्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं कर पा रही। इसका कारण क्या है बेटा, जिस एटमॉस्फेयर से वो आ रही है वो एक फ्लूड है, एयर एक फ्लूड है, जो घनश्याम बोल रहे थे एयर एक फ्लूड है, और आपको पता है फ्लूड जो है, फ्लूड में से कोई भी चीज मूव करेगी, अभी स्टॉक्स लॉ करा हमने, उसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगता है, एक विस्कस फोर्स लगता है, यानी वो फोर्स उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो एक्चुअली में कितना डिक्रीज करता है या कॉन्स्टेंट करता है वो अभी मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखो, मान लेते हैं कि एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने एक फ्लूड से ड्रॉप किया, मतलब एक फ्लूड में ड्रॉप किया, कोई भी जनरल फ्लूड ले लो, उसमें मैंने ये ड्रॉप किया।
तो इनिशियली क्या है बेटा, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, इसको थोड़ा सा ऐसे ही ले लीजिए, मैंने मान लो यहां से ये ड्रॉप करना शुरू किया, तो जैसे ही मैं ड्रॉप कर रही हूं, मतलब जस्ट जब मैंने उसको ड्रॉप किया, तो उस टाइम इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं बेटा, बताइए कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो इसका खुद का वेट होगा, अपथ्रस्ट, एक फ्लूड की वजह से अपथ्रस्ट आएगा, ठीक है? अभी तो ये है, ठीक है, जब शुरू में जस्ट ड्रॉप किया तब ये दो आपके पास आए, क्या? एक तो फ्लूड की वजह से उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगा, एक उसका वेट लग रहा है, और इनिशियल मान लीजिए वेलोसिटी जस्ट जैसे ही ड्रॉप किया वहां जीरो है। अब जैसे ही इसका वेट की वजह से ये मूव करेगा आगे, तो क्या होगा? अभी आपको पता है कि जब फ्लूड में से कोई चीज मूव करती है तो उसका जो विस्कस फोर्स है वो 6 पाई ईटा r v है। अभी इसका वेट क्या है? वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से। जैसे ही ये मूव करना शुरू करा तो उसमें क्या होगा? वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? वो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा इसका मतलब उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है? वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसमें एक फोर्स आ गया पीछे की तरफ। कौन सा? कौन सा बेटा? विस्कस फोर्स, ठीक है? जैसे ये ड्रॉप करा, इससे नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज होएगी, मान लीजिए आपके पास ये यहां है, यहां है, तो इस टाइम इसका एक वेट है, ठीक है? और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर की तरफ। कौन कौन से? एक तो अपथ्रस्ट लग रहा है, और एक अब जो नया फोर्स आ गया उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही, वो कौन सा है? विस्कस फोर्स। और ऊपर से यहां इनिशियली था वेट ओनली। ये बात समझ में आई सबको? केस नंबर वन, जैसे ही ड्रॉप किया फ्लूड के अंदर, उस टाइम दो, जस्ट जब ड्रॉप करा, जस्ट जब ड्रॉप करा तब उसका एक तो वेट लग रहा है और एक फ्लूड की वजह से अपथ्रस्ट है। अभी उसका वेलोसिटी कुछ नहीं बढ़ा। अब वो जैसे ही उसके वेट की वजह से उस पर एक नेट फॉरवर्ड फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो वो मूव करना शुरू किया। नीचे की तरफ फोर्स है यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, तो विस्कस फोर्स के फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो कि ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स आ गया। आई बात समझ में? हाँ जी स्टूडेंट्स। तो अब ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स क्या करेगा? ये जो नेट नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसको कम करेगा, यस और नो? इतना बताओ, ये विस्कस फोर्स क्या करेगा? ये जो नेट नीचे की तरफ मोशन हो रहा था जिस फोर्स की वजह से, उसको कम कर रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन जो हो रहा था उसको कम कर रहा है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कम हो जाएगी? मान लीजिए यहां पर आपके पास था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां आते आते विस्कस फोर्स की वजह से नेट फोर्स कम हुआ, तो मान लीजिए एक्सेलरेशन हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कम है बेटा, लेकिन वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज कर रही है, कम वैल्यू से कर रही है बट अभी भी इंक्रीज कर रही है। अब मैं तीसरा स्टेज देती हूँ, जब ये यहां पहुंच गया, यहां पर जैसे जैसे वो और ड्रॉप करता जा रहा है, वेलोसिटी और बढ़ती जा रही है, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ और बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास ये नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा ऊपर वाले दोनों फोर्सेस से। यहां पर जो है इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया? एफ नेट जीरो हो गया, ठीक है? यानी कि जो इसका वेट था दैट इज इक्वल टू यू प्लस एफ वी एट दिस पॉइंट। एफ नेट जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब इस पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, यानी इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी उसने अटेन कर ली जब ये नेट फोर्स जीरो हो गया, अब इस पॉइंट से जब ये नीचे गिरेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, इसलिए जो बारिश की बूंदे हैं वो आपके पास इतनी हाई वेलोसिटी से नहीं आती, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर उनका जो उन बूंदों के ऊपर उनका जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है एक विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स से।
वहां उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आप तक पहुंचती है, ये इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे, ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आई बात? यहां पर क्या क्या था अभी तक, यहां पर अभी तक वेट ग्रेटर था u प्लस एफ वी से, और धीरे धीरे वेट कम होता जा रहा कम होता जा रहा, और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब ये वाला कंडीशन पे पहुंच गया, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एफ नेट जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ फटाफट। मैंने आपको क्या बोला, मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट को फ्लूड के अंदर डाला, मान लीजिए थोड़ा सा अंदर गया फ्लूड के, तो उसका एक वेट आया नीचे और फ्लूड की वजह से एक अपथ्रस्ट आया। वेट ज्यादा है ऑब्वियसली अपथ्रस्ट से, तभी वो आगे मोशन कर रहा है, यानी उस बॉल पे एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फॉर्मूले को देखेंगे, फोर्स बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, मोशन के अपोजिट होता है ना ये, ऊपर की तरफ एक फोर्स बढ़ रहा है, वो फोर्स क्या करेगा, जो आपके पास नेट फोर्स था इस ऑब्जेक्ट पे उसको डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन को कम करने लग गया, बट स्टिल अभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है, एक पॉइंट पे आकर जो है विस्कस फोर्स इतना हो गया कि ऊपर वाले फोर्सेस ने नीचे वाले वेट को बैलेंस कर दिया, वहां एफ नेट जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, और एक्सेलरेशन के जीरो होते ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अगर यहां तक समझ में आ गया तो थम्स अप करो मैसेज में। समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको? ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये कितनी आई है। ओके फाइन फाइन, चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, जिस पॉइंट पे ये जो वेट है आपके पास क्या हो गया, हाँ जी वेट आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, u प्लस में जो विस्कस फोर्स है। अच्छा वेट ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसका वेट क्या हो सकता है, mg, वेट को हम mg भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसकी डेंसिटी सिग्मा है और ये जिस फ्लूड से फॉल कर रहा है इसकी डेंसिटी रो है। अभी वेट को मैंने लिख दिया mg। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने ड्राइव मैंने ड्राइव किया करवाया था आपको, याद नहीं, फोर्स अपॉन एरिया v रो g, याद आया कि जो नेट फोर्स फ्लूड की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे लगता है वो क्या होता है, v रो g, v इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जब हम अपथ्रस्ट निकालते हैं तो इसी v रो g को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया था mg में, यानी कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय दी बॉडी। याद आ गया सबको टॉपिक? चलो अभी के लिए याद रखो फिर, वी रो जी प्लस में ये आपको पता है 6 पाई ईटा आर वी, वी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी नाउ, क्लियर है। अभी v को क्या लिख सकते हैं, 4/3 pi r³, मैं इस स्फीयर का रेडियस मान लेती हूँ स्मॉल r, तो मैं इसका वॉल्यूम लिख सकती हूँ 4/3 pi r³। m को क्या लिख सकती हूँ मैं, जो इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय में इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता ना, तो मास को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, तो यहाँ पुट कर देते हैं सिग्मा वी जी, और यहाँ पर v रो g प्लस में 6 पाई ईटा आर वी टी। अभी कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है यहाँ से, v और g कॉमन आ रहा है, सिग्मा माइनस में रो, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। अभी मेरे को vt निकालना है तो vt को इधर रख लेते हैं और बाकी को डिवाइड कर देंगे, सॉरी v g सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय में 6 पाई ईटा आर। क्लियर है सबको? और v की मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ 4/3 pi r³, 4/3 pi r³ g सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। पाई से पाई गया,
ठीक है, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, और भी कुछ कट रहा है क्या? रेडियस, रेडियस, यस, ये गया और ये बच गया आर स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना अपने पास? 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। ये है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि अब आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करोगे। समझ में आई बात सबको? हाँ जी, अभी इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है बच्चों? काजल बेटा समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान में रखेंगे क्या फॉर्मूला है और मुझे बताएंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस कितना रेडियस है, इसका रेडियस कितना गिवन है? 0.0015 mm इज फॉलिंग इन एयर, यानी कि ये किस में से गिर रही है? एयर में से गिर रही है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, यानी कि ईटा जो है वो गिवन है आपको 1.8 × 10⁻¹¹. ठीक है, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप, यानी वीटी निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड बोल रहे डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसकी डेंसिटी कितनी थी? सिग्मा थी या नहीं, जो हमने फॉर्मूले में ली थी, और इसकी कितनी ली हमने? रो ली है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि रो को नेग्लेक्ट करना है आपने, ये नहीं लेना। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है बेटा क्वेश्चन में, ये बता दो। चलो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? ज्योति मैं आपको लास्ट में रिपीट कर दूंगी बेटा, आफ्टर दी क्लास। ठीक है, रुक जाना, एक बार 5 मिनट में करा दूंगी दोबारा से रिविजन। क्लियर है? हाँ जी, मुझे सिग्मा बताएं क्या है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा जल्दी से जल्दी, सिग्मा क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ वाटर, यस, यही बात समझने की थी इस क्वेश्चन में, ड्रॉप ऑफ वाटर है यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप किसकी है? वाटर की है, तो वाटर की डेंसिटी लोगे तो वो आपको गिवन है 10³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप याद करें, मुझे बताएं क्या था फॉर्मूला, मैं भूल गई हूँ, कैसे शुरू करूं? 2/9 r² g ρ - r / ईटा। यस, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय में ईटा। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ईटा भी पता है, आर भी पता है, जी भी पता है, कुछ प्रॉब्लम रही क्वेश्चन में? नो मैम। पुट कर सकते हैं सभी बच्चे? आर को आप मीटर में कर लेना, कितना आ जाएगा? 0.0015 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। जी आप ले सकते हो 9.8, क्वेश्चन में ही गिवन है, नहीं तो हम शायद दूसरी ले लेते 10। और डेंसिटी सिग्मा कितना है? 10³, और ये जीरो हो जाएगा, रो का हमको लेना ही नहीं है। डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 × 10⁻¹¹. सभी बच्चे, किसी का आंसर आया क्या? चलिए सभी चेक करेंगे, मैं बता देती हूँ, 2.72 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया, चलूं आगे? हाँ जी बेटा, चलूं आगे? यस मैम। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, स्टेटमेंट चेंज हो सकता है पर इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल बॉल इज मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इनसाइड अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल बॉल मूव कर रही है विद टर्मिनल वेलोसिटी। डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस विद द रेडियस ऑफ द बॉल। ठीक है, या क्या पूछा है उन्होंने? रेट ऑफ हीट लॉस, उसका क्या रिलेशनशिप बताना है? रिलेशनशिप विद इसके रेडियस, रेडियस ऑफ बॉल, ये क्वेश्चन है आपका।
तो सबसे पहली बात, रेट ऑफ हीट लॉस होता क्या है? देखो, जब आपके पास ये बॉल एक टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है, ठीक है, तो ये जो बॉल मान लीजिए फ्लूइड में जब भी गिरती है बेटा, तो उसमें एक विस्कस फोर्स आता है या नहीं आता, पहले तो ये बताओ। एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से आपको पता है क्या होता है, हीट लॉस होता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है बेटा, दिस इज पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। अब यहां पर फोर्स और वेलोसिटी कौन सी है? विस्कस फोर्स है और टर्मिनल वेलोसिटी है। आई बात समझ में? विस्कस फोर्स आपको पता है, ये जो फ्लूइड में से गिर रहा है, तो कितना है? 6 पाई ईटा आर वी, वीटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है, ठीक है। और वीटी का ये इसको ऐसे ही लिख लो एक बार, वीटी, तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वीटी का स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा था रेट ऑफ हीट लॉस का रेडियस से रिलेशनशिप बताओ। रेडियस की 1 पावर है यहाँ पे, क्या कोई और रेडियस है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में आ सकता है कहीं से? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रख लीजिए, 6 पाई ईटा आर वीटी का फॉर्मूला क्या था? 2/9 r² g ईटा σ - ρ की पावर स्क्वायर। टोटल आर की पावर कितनी है बेटा, आप ये देख लो, टोटल आर की पावर कितनी है? 5। आर की पावर 5। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस विद द रेडियस ऑफ द बॉल। यानी कि रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आपको बस इतना देखना था, आपको पता है हमेशा से ये चीज आप क्वेश्चंस में करते आए हैं कि फ्रिक्शन जहां है वहां एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को उठाया, रेट ऑफ हीट लॉस इज पावर, यानी वर्क डन बाय टाइम। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? ये एक ऐसा नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, विच विल हेल्प अस टू प्रिडिक्ट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो हमने दो तरह के करे थे, स्ट्रीमलाइन या लैमिनार बोल लो इसको, और एक टर्बुलेंट। तो यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है या टर्बुलेंट हो रहा है। मतलब नंबर को देख के ही हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सभी बच्चे नोट करेंगे, आपके पास आर होता है ईटा वी डी बाय में, सॉरी रो वी डी बाय में ईटा। जो रो है यहाँ पे वो है बेटा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। डी जो है वो डायमीटर ऑफ पाइप, और ईटा तो आप सब जानते ही हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसकी एक रेंज आती है, वो रेंज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह का फ्लूइड फ्लो है। रेंज क्या है? अगर ये नंबर 0 से 1000 के बीच में आता है तो ये है स्ट्रीमलाइन या लैमिनार। अगर ये 1000 से 2000 के बीच में आता है तो दिस इज अनस्टेडी। और थर्ड है आपके पास ग्रेटर देन 2000।
तो ये हो जाता है आपके पास टर्ब्यूलेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? यस इसमें जो मैम, बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता देती हूँ, वो कि बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में इस रेंज को थोड़ा चेंज किया हुआ है। वो क्या बोलते हैं इन रेफरेंस बुक्स, वो ये बोलते हैं कि भाई हम तो 0 से 2000 को मानेंगे स्ट्रीमलाइन, ठीक है, और 2000 से 3000 को हम कहेंगे अनस्टेडी, ठीक है, और 3000 से ज्यादा ग्रेटर देन 3000 इसको हम बोलेंगे टर्ब्यूलेंट। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैम फिर हम फॉलो कौन सा करें। देखिए फॉलो ये वाला करना है आपने, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस मैं आपको बताती हूँ, जब ये मान लीजिए ऑप्शंस आपके पास आ जाएं, भाई एक फ्लूड फ्लो हो रहा है और ये बोल दें कि एक है 1500 नंबर, ठीक है, एक नंबर है 2500, ठीक है, और एक मान लो 4000 मान लो, चलो। तो अगर मैं इसमें ये पूछूं कि स्ट्रीम लाइन कौन सा होगा, तो आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ से तो आपने 0 से 1000 स्ट्रीम लाइन बताया है, तो यहाँ पर तो ये चीज नहीं वैलिड हो रही। मतलब ऑप्शंस में आपको अगर ये लग रहा है कि 0 से 1000 वाला जो ऑप्शन है वो नहीं लग रहा है, ठीक है, और उन्होंने स्ट्रीम लाइन पूछा हुआ है, यानी उसने उन्होंने क्या करा, ये 0 से 2000 वाली रेंज को कंसिडर कर लिया। लेकिन आपका जो बोर्ड का एग्जाम है और जो मेन एग्जाम्स रहेंगे उसके अंदर यही वाली रेंज फॉलो होगी, और कहीं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देती हो तो मे बी ऐसा केस हो जाए जहां आपको ऑप्शंस को देख के समझना पड़ेगा कि कौन सी रेंज मैंने लगानी है। समझ में आई बात? अगर मैं ऑप्शन आपको ये दे दूं, एक ऑप्शन मैंने दे दिया लेस देन 1000, बी ग्रेटर देन 1000 एंड 2000, तो इसमें स्ट्रीमलाइन कौन सा होगा बेटा, स्ट्रीमलाइन कौन सा होगा? यस ए। आप साफ देख के बोल सकते हो कि इन्होंने 1000 में ही दो दे दी, इस केस में तो 0 से 2000 में दोनों आ गए ऑप्शन, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के आइडिया हो जाएगा। बाकी आपको मैं बोलती 99% टाइम ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी यही वाला गिवन है, तो कहीं कुछ लिखना हो बोर्ड का एग्जाम हो तो आप ये वाला लिखोगे, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा ऑप्शन होगी वहां पूछ ले स्ट्रीमलाइन, और 0 से 1000 वाला कोई नंबर ही नहीं दिया उन्होंने, तो समझ लेना कि इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है वहां पे। क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? यस मैम, यस मैम। ठीक है घनश्याम, क्लियर हुआ बेटा? चलिए फिर आगे चलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको लिखवा देती हूँ इसका फॉर्मूला भी। क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है ये भी बताते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लो, आर ईटा रो आर, वेर आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब। अभी सवाल ये होना चाहिए मैम क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्या रिपीट करूं घनश्याम? पिछले वाला बोल रहे हो? चलो अभी कराते हैं वो भी, पहले ये समझो एक बार क्रिटिकल वेलोसिटी सुन लो क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं टैप को धीरे से खोलती हूं तो जो फ्लो आ रहा था वो स्ट्रीम लाइन था, क्यों स्ट्रीम लाइन था, उसकी वेलोसिटी कम थी। अगर मैंने इस फ्लूड की बहुत ज्यादा वेलोसिटी कर दी तो आपके पास क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो आ रहा था, यानी कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक जो फ्लूड फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है,
वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक फ्लूड फ्लो स्ट्रीम लाइन है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आई? मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूड फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, उसको आप क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी, तो जो बच्चा रेनॉल्ड्स नंबर में कंफ्यूज हो रहा है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। पहली बात, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? ये आपको एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है ये, जो प्रिडिक्ट करवाने में हेल्प करेगा। मतलब आप उस नंबर को देख के बता सकते हो कि ये फ्लूड फ्लो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है। फिर मैंने आपको एक इसका फॉर्मूला दिया है, अगर कोई बाय चांस ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए कि रेनॉल्ड्स नंबर निकालो और ये सर्टेन वैल्यूज आपको दे रखी, तो आप निकाल सकते हो। फिर रेंज क्या है जिसको आप देख के करोगे, बेटा ये वाली रेंज आप वैलिड मानो, हर जगह आप ये वाली वैलिड मानो। 0 से 1000 स्ट्रीम लाइन, 1000 से 2000 अनस्टेडी, ग्रेटर देन 2000 टर्बुलेंट। ठीक है, फिर मैंने आपको एक स्पेशल केस बना दिया, मतलब 1% चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अगर कि आपको वैल्यूज ऐसे दे दी जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए और उन्होंने पूछा कि स्ट्रीम लाइन कौन सा होगा, तो अगर उसमें वो लोग ये वाला ऑप्शन देते ही नहीं, 0 से 1000 वाला दिया ही नहीं और उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए दे दिया 1500। ठीक है, तो 1500 इसका मतलब वो इस रेंज में जो है काम नहीं कर रहा, तो आप 0 से 2000 स्ट्रीम लाइन, 2000 से 3000 अनस्टेडी और ग्रेटर देन 3000 टर्बुलेंट बोल सकते हो। लेकिन 99.5% मानो कि आपका ये हर जगह वैलिड, और बोर्ड में तो आप कहीं भी करोगे तो ये वाला 100% वैलिड है। क्लियर हो गया? सिर्फ एक केस मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कुछ ऐसा आ जाए कि वो ये वाला नंबर दे ही नहीं रहे और पूछ रहे हैं स्ट्रीम लाइन है, तो आप ये वाली रेंज सोच सकते हो। ठीक है, ये मैंने काफी चेक किया है बहुत सारे रिसोर्सेस से। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट है, तो वी विल गो विद एनसीईआरटी रेंज। क्लियर है सबको? चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सरफेस टेंशन। ध्यान से सुनेंगे, किसी ने इसके बारे में सुना है पहले? व्हाट इज सरफेस टेंशन? बाकिया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा नेट तो चल रहा है, शायद मेरी बैटरी गई है। हाँ जी बच्चों, किसी ने सुना है सरफेस टेंशन के बारे में? व्हाट इज सरफेस टेंशन? यस मैम। चलो फिर बताते हैं, बताओ फिर फाकिया, क्या सुना आपने? मैम ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसकी वजह से जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। यस, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बिल्कुल सही बोला आपने, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। और जो पाकिया बोल रहे कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वो कैसे, वो भी देखो। आप लोगों ने पत्ता देखा है? पत्ता सुबह सुबह सर्दी में उसके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी बूंदे बनी होती है, देखिए किसी ने? यस मैम। तो बूंदे गोल क्यों होती है? स्फेरिकल शेप की बूंदे होती है ना, ऐसे छोटी छोटी छोटी, वो बूंदे गोल स्फेरिकल शेप की ड्रॉपलेट्स होती हैं, किसी ने देखी हो? और रीजन बताओ क्यों होती है? मैम ओस की बूंदे होती है ना वो। ओस की बूंदे है तो पानी ना, पानी को तो ऐसे फैल जाना चाहिए था, उसने उस स्फेरिकल शेप को कैसे मेंटेन कर लिया? इसका मतलब उस पानी को कुछ बांधे हुए है, जैसे गुब्बारे में हवा बंधी होती है ना,
वैसे ही इस ड्रॉपलेट का एक सरफेस है जो उस पानी को अंदर बांधे हुए है, ठीक है। तो सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है जिसने उस पानी को बांधा हुआ है। अब वो स्फेरिकल ही क्यों है, क्योंकि ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है बेटा कि वो अपना मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया चाहती है, और फॉर गिवन वॉल्यूम वी जो मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया था वो स्फेरिकल शेप का होता है, क्यूब का नहीं होता, क्यूबॉइड का नहीं होता, आपके पास स्फीयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है। ऐसा क्यों होता है मैम, ये पूछना चाहिए था कि ऐसा मिनिमम क्यों करना है उनको, सवाल था ना ये अपने पास, तो उसका भी जवाब मैं आपको देती हूँ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, वो यही चीज है, हम लोग यही पढ़ेंगे वहां पे। ऐसा क्यों होता है, यस ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल पढ़ेंगे अभी। देखो सबसे पहले कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्यों है, स्ट्रेच्ड क्यों है ये देखो सबसे पहले, तो आप क्या होता है बेटा, मान लीजिए इसमें आपके पास फ्लूइड है, ठीक है। तो दो हम मॉलिक्यूल्स मानते हैं, एक मान लेते हैं हम सरफेस के अंदर है और एक हम सरफेस पे मान लेते हैं। तो आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसको अगर इधर खींच रहा है तो इसके अपोजिट इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा है तो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है तो इधर खींच रहा है। तो यहाँ पर बेटा एफ नेट जो है वो जीरो है इस मॉलिक्यूल पे। अब सरफेस वाला ऑब्जर्व करते हैं, सरफेस के ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, एयर का है, एयर वाले मॉलिक्यूल्स उसको इतना अच्छे से नहीं खींचते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि यहाँ पर एफ नेट जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो थोड़ा पास आ जाएंगे, थोड़े थोड़े पास हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा इंक्रीज हो जाता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो गया मतलब वो एक दूसरे को खींच के पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को उसने बहुत खींच के पकड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि वो इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। समझ में आई बात। अभी क्वेश्चन एक रह गया अपना, क्या कि मैम मिनिमम ही क्यों कर रहा है सरफेस एरिया, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो देख लो। मैथमेटिकल फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, हम कोई भी एक मान लीजिए बीकर है ये, ठीक है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड है ऐसे, तो ये ऊपर एक सरफेस बन रहा है ना, इस सरफेस को मैं बाहर निकाल रही हूं ऐसे, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं बड़ा, मान लीजिए आपके पास ये सरफेस बन रहा है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोल है ना ऐसे, ठीक है, तो उसको मैंने आपको सामने से दिखाया है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि एक जो है लाइन, इमेजिनरी लाइन कंसिडर करती हूँ। इस लाइन के इस तरफ भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, और अभी हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, हर मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा इंक्रीज भी है सरफेस के ऊपर, वो एक दूसरे को खींचे हुए हैं। तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स मान लीजिए ये हैं और इधर वाले मॉलिक्यूल्स ये हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स इनको खींच रहे हैं, तो मान लीजिए नेट फोर्स जो है इधर एफ है इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर, और ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है इधर वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं, तो यहां पर भी आपके पास एफ है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है ना, एफ परपेंडिकुलर फोर्स जो ये इमेजिनरी लाइन पे आ रहा है डिवाइडेड बाय जिस जो ये इमेजिनरी लाइन का डिस्टेंस है, मान लीजिए एल है, दिस इज सरफेस टेंशन, फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज सरफेस टेंशन, और कुछ नहीं है। यस गुड़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम अपना नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि मिनिमम सरफेस एरिया कर रहा है, ठीक है, वो भी अभी सॉल्व करते हैं। वही सेम टू सेम बीकर कंसिडर करते हैं,
ये लीजिए, इसमें मैंने एक फ्लूड फिल कर लिया और मैं वही दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करती हूँ, एक उसके बल्क के अंदर, ये बल्क होता है जो अंदर होता है इसको बल्क बोलते हैं, और एक यहाँ ले लेती हूँ। तो अंदर वाले के ऊपर आपको पता है नेट फोर्सेस क्या रहेंगे, हर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से खींच रहा है, तो इस पे नेट फोर्स क्या रहता है, जीरो, और इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, इस पे क्या होता है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता। नेट फोर्स जीरो नहीं है, इट मींस क्या होगा कि इसको एक डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेगा ये अपनी जगह छोड़ेगा, वहां एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, उस एम्प्टी स्पेस पे बेटा इस मॉलिक्यूल, ये जो फ्लूड है इसमें से क्या है आपके पास थोड़े हाईली एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ आएंगे। हाईली एनर्जेटिक क्यों आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नीचे जो ये मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखा रही हूं उनको भी नीचे से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है तब वो वहां पर पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सरफेस है, जो सरफेस बना आपके पास, इसकी एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बल्क। सरफेस की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, सरफेस एनर्जी इज मोर। और आपको पता है ये चीज, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, जब सरफेस मतलब कोई भी एनर्जी ज्यादा है तो क्या होता है, सिस्टम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, राइट अगर वो स्टेबल करना चाहता है तो क्या करेगा, क्या करेगा, वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा, एनर्जी को निकालेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो सरफेस है ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है, ऐसे लिख लो, सरफेस वांट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर अब ये स्टेबिलिटी कैसे कैसे लेके आएगा, स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, अपना सरफेस को कम करेगा, दिस सरफेस इज ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस कम करेगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हाई एनर्जेटिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कम होंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आई आवाज। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, फ्लूड है, क्या अभी इसके सरफेस की एनर्जी ज्यादा है तो क्या करेगा, ये यहां से अंदर की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स को भेजना शुरू कर देगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि ये इस तरह की जो है शेप अटेन कर लेगा, ठीक है, ये ऐसे होगा घनश्याम कि वो क्या करेगा कि अपना जो है वो सरफेस कम करना चाह रहा है तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर बल्क की तरफ जो है भेज देगा, ठीक है, उसमें हर जगह पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, तो वो अपना सरफेस को डिक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, वो थोड़ा स्टेबल होगा, समझ में आई बात। मैम अपना एरिया वो कम कर लेता ना, हाँ सरफेस एरिया कम कर रहा है, समझ में आई। इसको मैं एक और एग्जांपल से बता सकती हूँ आपको, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से लूप है, ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने सोप में डिप कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, एक सरफेस बन जाएगा, ऐसे एक फिल्म बन जाएगी, और उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा लूप ऑफ थ्रेड डाल देती हूँ। अभी क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, सरफेस की एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो इस लूप के हर पार्ट पे क्या हो रहा है, इस लूप के हर पार्ट पे क्या हो रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है फ्लूड की वजह से, हर एक जो पार्ट लोगे इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। लेकिन मैं जैसे ही इसको प्रिक कर दूंगी, यहां से अगर मैं सुई से इसको प्रिक कर दूं तो बीच में हवा होगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, आपके पास बेटा ये लूप जो है एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा, ठीक है, ये बाहर वाला केस था, ये एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा, क्यों, क्योंकि अंदर तो अब उस लूप को कोई फोर्स खींच नहीं रहा, बाहर से जो है क्या है,
यहाँ जो क्या था, यहाँ फ्लूड था, वो उसको बाहर खींचे जा रहा है, यहां से खींच रहा है, हर पॉइंट से बाहर उसको एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और आप इसकी फ्लूड की टेंडेंसी है कि वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेच कर देगा हर तरफ से, तो वो एक सर्कल का फॉर्म ले लेता है। समझ में आया कैसे सरफेस काम कर रहा है, कैसे वो डिक्रीज कर रहा है अपना जो एरिया है? हाँ जी, यस गुड़िया, वो एक सर्कुलर शेप ले लेता है। तो अभी हमने समझा कि सरफेस टेंशन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, और वो अपना एरिया कम क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि सरफेस की एनर्जी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपना सरफेस एरिया कम कर रहा है, तो एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? अभी इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, करा दू? नींद तो नहीं आ रही? नो सुनो फिर, एक सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में रिलेशनशिप है। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। मैं क्या करती हूँ, एक यू शेप्ड फ्रेम लेती हूँ, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और मैंने यहां पर इस पे एक स्लाइडिंग वायर लगा दी, और इसको मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। सोप सॉल्यूशन में डिप करते ही क्या होगा, इस पे एक फिल्म बन जाएगी, यहाँ एक फिल्म बन गई। और बच्चों याद रखो, सोप की जो फिल्म होती है थोड़ी थिक होती है, न्यूमेरिकल्स करो तो भी आपको उनको दो दो फिल्म की तरह कंसिडर करना है, एक आगे है और एक पीछे है। अभी सोचो एक फिल्म, अभी क्या कर रहा है, सरफेस अपना एरिया कम करना चाहता होता है, तो इस वायर के ऊपर क्या है, एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? सोप बेटा, साबुन, साबुन का सोल्यूशन ले लो, उसमें उसको डिप कर दो। देखिए ना, ये साबुन के पानी के जो हम लोग बबल्स बनाते हैं, राइट, ये वही चीज है। यहाँ एक फिल्म बन गई प्यारी सी, सुंदर सी, कलरफुल सी, ठीक है। इसके अभी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है, तो उसमें एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, फोर्स लग रहा है मान लीजिए यहाँ पे एफ। तो यहाँ मैं अगर सरफेस टेंशन निकालूं जो अंदर की तरफ, वो कितनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो इमेजिनरी लाइन कर सोचो जरा क्या थी, यहाँ पर वो क्या है, ये लेंथ है जिसके ऊपर वो लग रहा है अंदर की तरफ, तो यहां से फोर्स निकल जाएगा आपके पास एस एल, ठीक है। तो अगर मुझे अब इस फिल्म को बढ़ाना है, अगर मुझे इस सरफेस को बढ़ाना है, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। नहीं कितना फोर्स लगाऊं अब इधर? ज्यादा यहां आप लगाओगे एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ एस एल। क्यों मैंने ट्वाइस करा है, क्योंकि एक फिल्म पीछे है और एक फिल्म आगे है, ठीक है। तो एक फिल्म के अंदर सरफेस टेंशन कितना था, एस एल, दो फिल्म के अंदर कितना हो गया, टू एस एल, यानी कि उसमें अंदर की तरफ जो फोर्स है वो कितना है, इतना। तो आप क्या करते हैं कि इतना फोर्स बाहर की तरफ लगाते हैं और उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, बहुत स्लो। आप बोलेंगे मैम जब आप इक्वल ही लगा दोगे तो वो तो इक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस हो गया, जरा सा ज्यादा, जिससे वो हल्की सी वेलोसिटी अटेंड करेगा, फिर उसको थोड़ा कम करोगे तो जो एवरेज फोर्स रहता है वो इतना ही रहता है, सब कुछ जरा सा ज्यादा करते हो खींचने लग जाएगा फिर। तो हमने वर्क डन कितना किया, वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? मान लेते हैं कि जो हमारी जो ये सरफेस है ये थोड़ा इंक्रीज हुई और कहां तक आ गई, यहां तक आ गई, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं डेल एक्स है, और ये डिस्टेंस एक्स है, और ये जो लेंथ है वो एल है। अभी मैं यहाँ फोर्स अगर लगा रही हूँ टू ट्वाइस ऑफ दिस फोर्स, टू एफ लगा रही हूँ, यानी कि टू एस एल मैंने यहाँ फोर्स लगाया है,
तो फोर्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट है यानी कि टू एस एल इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे चेंज इन एरिया कितना हुआ है। चेंज इन एरिया एक फिल्म के लिए बात करते हैं पहले, चेंज इन एरिया फॉर वन फिल्म कितना है बताओ। हाँ जी, एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एल माइनस एक्स एल। पहले क्या था, लेंथ एक्स ब्रेथ एल, अब लेंथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ब्रेथ एल ही है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा, डेल्टा एक्स एल। लेकिन फिल्म दो है तो टोटल चेंज इन एरिया कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ दिस। इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा ए। अभी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, टू एल डेल्टा एक्स को क्या मैं डेल्टा ए नहीं पुट कर सकती, यानी वर्क डन कितना हो गया, एस इंटू में डेल्टा ए, और एस क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या हो गया, वर्क डन बाय में डेल्टा ए, यानी कि यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए जो मुझे काम करना पड़ा वही सरफेस टेंशन है। समझ में आया। और जो आप ये वर्क डन कर रहे हो बेटा, ये वर्क डन अभी आपने इलास्टिसिटी में भी किया था हमने ये चीज, कि वर्क डन जो मैं कर रही हूँ इट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मैं जो काम कर रही हूँ एनर्जी कहाँ जा रही है, जो मैं इसको खींच रही हूँ वो जो खींचा हुआ एरिया है वहां पर वो स्टोर हो रही है। तो मैं वर्क डन को क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी बोल सकती हूँ, डेल्टा ए एस। यही आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। आगे बात समझ में, इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार, सरफेस एनर्जी इंक्रीज निकालो, सरफेस एनर्जी डिक्रीज निकालो। अगर आपके पास ये फिल्म जो है कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, अब एरिया कम हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाती है, तो उसको हम डिक्रीज इन एनर्जी भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ सब बच्चों को? मैम वो फिर नेगेटिव हो जाएगा ना? हाँ, आपको पता है कि वो नेगेटिव है, लेकिन आप उसको मतलब वो ले सकते हो मॉड्यूलस करके, आप फाइनल वैल्यू लिख सकते हो कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी इतना है, ठीक है। और नेगेटिव साइन का यही सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी हुआ। देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, मैं फटाफट से बता देती हूँ, ये वाला, थाउजेंड स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कंबाइन एंड फॉर्म ए बिग ड्रॉप। छोटी छोटी बहुत सारी बूंदे, कितनी, हजार बूंदे क्या करिए, कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। इसकी मैं मान लेती हूँ रेडियस आर है और इस छोटी वाली बूंद की रेडियस है स्मॉल आर। तो इन्होंने पूछा फाइंड डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ये आपके पास है एस डेल्टा ए, ये चेंज इन सरफेस एनर्जी है, एस इंटू में चेंज इन एरिया। डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब कि यहां से यहां जाते हुए सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में भी रख सकते हो कि यहाँ पे डिक्रीज इन एरिया, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अभी मेरे को बताओ, मुझे यहाँ पे एस तो चलो एज इट इज रखना है, मुझे एरिया निकालना है, एरिया तो आप निकाल सकते हो, नहीं, चेंज इन एरिया निकाल सकते हो ना, थाउजेंड ड्रॉपलेट्स हैं मल्टीप्लाई बाय फोर पाई आर स्क्वायर, वो उसका सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया, माइनस में जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया, तो कितना आ गया, फोर पाई थाउजेंड आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब हजार बूंदे मिलकर एक बूंद बना रही है तो वॉल्यूम तो कहीं नहीं गया ना, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थाउजेंड इंटू में फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू फोर बाय थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी टेन आर, जिसको आप यहां पुट करेंगे तो फोर पाई थाउजेंड आर स्क्वायर माइनस में हंड्रेड आर हो जाएगा, हंड्रेड आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर और इंटू में 900। तो ये आपके पास चेंज इन एरिया आ गया, यानी कि आपके पास डिक्रीज इन एनर्जी क्यों, क्या क्या चीज हो जाएगी, एस इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर 900। ये एक जनरल फॉर्म है, क्वेश्चन में आपको सरफेस टेंशन निकालने का भी कुछ चीजें गिवन होंगी, रेडियस गिवन होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है सबको? मैं एक बार रिपीट कर दो। देखो हमने क्या किया है, इन्होंने पूछा कि 1000 बूंदों को जब मिला के एक बड़ी बूंद बना दिया तो बताइए कि कितना सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गया। सरफेस एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है कि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला उठाया कि आपके पास सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टेंशन इनटू में डेल्टा ए। ठीक है, तो डेल्टा ए यानी कि उसका सरफेस एरिया हमने निकाल लिया 1000 × 4πr² माइनस में जो बड़ी एरिया बड़ी ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया, तो हमारे पास चेंज इन एरिया आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने छोटी ड्रॉपलेट्स वाले में से ही बड़ा वाला वैसे मतलब हमारे ईज के लिए कर लिया कि फटाफट सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, हमको पता है भाई एरिया डिक्रीज हो रहा है, हमको पता है ये चीज, तो माइनस कर लिया। ठीक है, और वो जो आपके पास वैल्यू आई है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, और कुछ नहीं है। बस इसका यूज किया है कि आपके पास वॉल्यूम जो है जब 1000 ड्रॉप्स कंबाइन होंगी तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशनशिप आएगा जो आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, मतलब आपको प्लस माइनस का चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, आप ये देखो कि चेंज इन एरिया कितना है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि जब छोटी छोटी 1000 बूंदें मिलके बड़ी एक बूंद बना रही है तो आपके पास जो है एरिया का डिक्रीज हुआ होगा, तभी आपके पास डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ डिक्रीज हुआ होगा, आप चेंज इन एरिया निकालो और जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें पुट करो। ठीक है, क्लियर है, बस ये तो सिंपल सी बात है कि एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब एनर्जी लगी होगी, एरिया घट रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि एनर्जी घटी होगी। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बच्चों, ओवर हो गया आज, ज्यादा तो नहीं हो गया? नो मैम। ओके, तो यहां तक अपना जो टॉपिक हुआ है अब हुआ है सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट जो आपकी क्लास हो रहेगी उसमें आपके पास एक टॉपिक और बचा है कैपिलरी वाला, उसमें 2-3 सब टॉपिक्स हैं वो कराए जाएंगे आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ तक अभी संडे भी है, किसी का पेंडिंग है तो कर लीजिए बेटा।